फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा CPU-Z एप्लीकेशन के बारे में, जिसका काम यह है कि आपकी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने ला के रख देना, यानी कि जैसे आपके मोबाइल के प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो आपको इसको गूगल प्ले से डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम है CPU-Z। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें आपको बताता है A to Z इन्फॉर्मेशन कि आपका कौन सा प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 435, और इसकी स्पीड कितने कोर हैं, ठीक है, क्लॉक स्पीड, प्रोसेस सब बताता है आपको। और आप डिवाइस में आएंगे, डिवाइस में आप देखेंगे कौन सा मोबाइल है, मेरा Xiaomi Redmi 4 है तो दिखा रहा है वो कितने इंच की डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन क्या है, पिक्सल्स वगैरह, DPI, डायमेंशन, वेट, टोटल रैम कितनी है, रैम बता देगा आपको, यहीं से पता कर सकते हैं आप। और इसमें अवेलेबल रैम कितनी है, इंटरनल स्टोरेज कितना है, अवेलेबल स्टोरेज कितना है, रिलीज डेट वगैरह वगैरह सब बताता है। फिर आप सिस्टम की तरफ आएंगे तो सिस्टम में आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो कितना है, 7.1.2, API लेवल 25, इस तरह से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिल जाएगी। आप बैटरी पाएंगे तो बैटरी के बारे में बता रहा है, इसकी हेल्थ कैसी है, कितना परसेंट चार्ज है, पावर सोर्स क्या है वगैरह, स्टेटस चार्जिंग है कि नहीं है। उसके बाद आपका जो बैटरी का टेम्परेचर है वो इसी एप्लीकेशन में पता लग जाएगा, यानी 34°C में मेरी बैटरी का टेम्परेचर है, और उसका वोल्टेज, इसकी कैपेसिटी सब यहाँ कितने मेगाहर्ट्ज़ की बता रहा है आपको। उसके बाद आप आएंगे थर्मल पे, इस पे आपको देखेंगे आपके सारे सेंसर और बैटरी सबके टेम्परेचर बता रहा है सेल्सियस में, आप इसको फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। सबसे नीचे आएगा बैटरी का, 34°C में मेरी बैटरी अब इसका टेम्परेचर है, सेंसर का है, बहुत सारे सेंसर के बारे में बता रहा है। अगर आपको इसको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है, आपको जाना है और CPU-Z सेटिंग में, यहाँ जाके आपको फ़ारेनहाइट कर देना है और सेव। देखिए, यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें तो बता रहा है फ़ारेनहाइट में। उसके बाद आप सेंसर में आएंगे तो सेंसर में आपके मोबाइल में कितने सेंसर है, क्या काम करते हैं, सब कुछ इसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आप पता कर सकते हैं अपने सेंसरों के बारे में। और अबाउट में आएंगे तो इनकी एप्लीकेशन के बारे में, CPU-Z। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन है वो कंप्यूटर के लिए भी आती है, आप अपने कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन भी इसी तरह से जान सकते हैं। आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है CPU-Z, और वहाँ से कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कंप्यूटर की, कि कितनी DDR2 है रैम, DDR3 रैम है, हार्ड डिस्क वगैरह सब की इन्फॉर्मेशन आएगी, मदरबोर्ड कौन सा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिए और शेयर कर दिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।